लगातार पूरी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं, बागंबरी मठ वो भीतर उसके पहुंच चुके हैं नरेंद्र गिरी को, अब वहां जाकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मठ के भीतर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सीधे अजीत के पास चलते हैं। अजीत, और क्या जानकारी है, क्या पहुंच चुके हैं मठ के भीतर सीएम योगी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागंबरी मठ यानी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं, जहां महंत नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, जिनकी कल मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, वहां मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आपको बिल्कुल कॉर्नर के कोने में, जहां पुलिस फोर्स एक साथ बैरिकेड की तरह दिख रही है, वहां पर मुख्यमंत्री और वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी जी के, क्योंकि उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे, नजदीकी संबंध थे। राम मंदिर का मसला हो, काशी अयोध्या मथुरा का मसला हो, हर मुद्दे पर महंत नरेंद्र गिरी खुलकर बोलते थे और योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। कल आपने देखा, जो महंत जो सचिव है राम जन्मभूमि तीर्थ तट के चंपत राय, उन्होंने भी यही बात कही थी कि वो ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे जो आत्महत्या कर सकते हैं। यही बात सत्येंद्र दास जो वहां के पुजारी हैं, हनुमानगढ़ी के राजू दास और सरकार के कई लोग, चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें, जो है केशव मौर्य की बात करें, जो नीलम तेवतिया विधायक सुबह मिली थी उनकी बात करें, मौनी बाबा, सभी लोग एक सुर में यही कह रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। तो अब मुख्यमंत्री मठ के अंदर मौजूद हैं, बागंबरी मठ के अंदर मौजूद हैं, वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी के, क्योंकि बहुत लगाव उनका रहा है। उसके बाद वो अधिकारियों से एक बैठक भी करेंगे, वो अपडेट लेंगे कि इस पूरे मसले पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई, जो FIR दर्ज हुई है उसमें विवेचना की क्या स्थिति है, जो सुसाइड नोट मिला है उसकी क्या स्थिति है, फोरेंसिक जांच में जो रिपोर्ट गई थी उसका क्या अपडेट है, और जो पोस्टमार्टम होगा आगे की, जो उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, जो भू समाधि उनको दी जाएगी, पोस्टमार्टम दिया जाएगा, डॉक्टर के जो पैनल्स हैं उसकी क्या तैयारी, इन सब के बारे में मुख्यमंत्री अपडेट लेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बागंबरी मठ के अंदर मौजूद हैं, जहां से वो महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके बाद वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे और एक समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ करेंगे, क्योंकि लगातार CBI जांच की मांग संत समाज की तरफ से, अखाड़ा परिषद की तरफ से, उनके अनुयायियों की तरफ से की जा रही है। तो अब मुख्यमंत्री क्या ऐलान करते हैं, इस पर सबसे ज्यादा नजर बनी रहेगी शिवानी की, क्या CBI जांच की बात यहां मुख्यमंत्री करते हैं या जो गिरफ्तारियां हुई है, जो सुसाइड नोट है उसकी बात करते हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल अजीत, और प्रयागराज मठ के भीतर की तस्वीर आप जहां पर देख रहे हैं, इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ वहां उनका शव भी रखा हुआ है, और कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा उनके शव का। उसके बाद क्या कुछ होगा, क्या कुछ चीजें सामने आएंगी, पूछताछ में क्या कुछ चीजें सामने आएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब बैठक भी करेंगे, वो चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बाकी जो महंत हैं, जो शिष्य हैं उनके, नरेंद्र गिरी जी के वहां पर मौजूद, उनसे वो बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि लगातार CBI जांच की मांग की जा रही थी, और उसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। सस्पेंस यही है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर, क्या CBI जांच करवाई जाएगी या फिर नहीं। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, मठ के भीतर इस वक्त मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो वहां पर महंत हैं, जो संत समाज है वो इस वक्त मौजूद है, तमाम बड़े मंत्री भी यूपी कैबिनेट के इस वक्त वहां मौजूद हैं, और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को, अजीत लगातार पूरी नजर बनाए हुए हैं। अजीत, देखिए आप, सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि आखिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से जो बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उसमें क्या कुछ वो कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल शिवानी, क्योंकि लगातार सबसे ज्यादा अगर किसी बात की मांग हो रही है तो कि ये कि नरेंद्र गिरी महाराज आत्महत्या नहीं कर सकते, ये हत्या है, उन्हें या तो उकसाया गया या तो हत्या की गई, वो अजय सिंह गनर की बात हो, संदीप तिवारी की बात हो, अध्याय तिवारी की बात हो, और महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की बात हो, जिसे गिरफ्तार करके प्रयागराज लाया गया है। तो अब इन तीन लोगों के साथ साथ 6 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, सुसाइड नोट के आधार पर पूछताछ की जा रही है। तो मुख्यमंत्री क्या इस बात का ऐलान यहाँ से कर देंगे कि इस पूरे मसले की CBI जांच की जाती है, और जो लोग गिरफ्तारी की गई है उसके बारे में वो डिटेल बता सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार का क्या इनपुट है, और वो क्या आउटपुट यहां देंगे, ये आपको पता चलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री यहां अगर बोलेंगे मीडिया को, तो निश्चित बात है कि वो छोटी बात नहीं बोलने वाले हैं। पहले तो श्रद्धांजलि उन्होंने अंदर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, और जब मीडिया के सामने आएंगे तो वो जिस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ऐसे मसलों पर कोई अपराध हो, इस तरह की कोई घटना हो, तो सीएम फौरन इसमें कार्रवाई की बात करते हैं, NSS से लेकर गंगेश्वर तक की बात करते हैं, और कोई बड़ा मुद्दा होता है तो CBI जांच करते हैं। और यही बात डिप्टी सीएम के